भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अंतरजातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज परिजनों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल सहरसा जिला के सोनबरसा स्थित हटिया रोड की निहारिका का इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज पिता और चाचा ने युवती पर जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवती को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रीता का कहना है कि वो बालिग है और अपने मर्जी से दूसरे जात के लड़के से शादी करना चाह रही थी, लेकिन परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था और पिता और चाचा ने उसकी जमकर पिटाई की, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद परिजनों ने बीच बचाव कर उसे स्थानीय PHC में भर्ती कराया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। निहारिका LLB और CS की पढ़ाई कर चुकी है और वर्तमान में अपने पार्टनर के साथ लॉ फर्म चला रही है। कुछ दिन पहले ही अपने पार्टनर के साथ उसने शादी का फैसला किया था। इस बात की जानकारी जब पिता को चली तब लोग इसका विरोध करने लगे और फिर शनिवार को युवती पर जानलेवा हमला किया। प्रीता का कहना है कि न्याय के लिए वो पुलिस के पास जाएगी। वहीं पुलिस अभी शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण किसी भी कार्रवाई से बच रही है और उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी। चाचा लोग, पापा लोग, पापा मेरा फोन तोड़ दिए, पापा हमको थप्पड़ वगैरह मारना शुरू किए, फिर चाचा लोग आए और हमको मारने लगे, मेरा बाल वगैरह खींच के डाउन करके पूरा मारने लगे। ठीक है, उसी दौरान वो एक धारदार उससे मेरे ऊपर वार किए, जिससे कि हम बचाने के लिए हाथ को ऐसे किए तो उसमें लग गया और फिर हम भागे वहाँ से ऊपर। उनको चाची लोग, बड़ी दादी की, वो लोग बचाई, बच्चा लोग खींचा, उसी में हम भागे छत तक, छत से फिर उन लोग पीछा किए भाग मारने के लिए। तो हम वहाँ से, अब वो लोग शायद पुश कर दिया कि क्या गिर गए, और फिर हमको बड़ी दादी के बेटा उनको बचाए, फिर मेरा हाथ जो कटा था उसमें कपड़ा बांध के हमको ले गए हॉस्पिटल। चाचा मेरे बड़ी दादी के बेटा, अपने चाचा नहीं, अपने चाचा लोग तो मारे। उसके बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, हमको एडमिट नहीं किया क्योंकि मेरा सीवियर कट था। बोला मेरे से स्टिच नहीं होगा, केस गड़बड़ा जाएगा, या तो भागलपुर रेफर करो या तो पटना सहरसा ले जाओ। लेकिन तत्कालीन मेरा इतना भयानक कट था कि हमको स्टिच मारना ज़रूरी था, ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा था। तो मेरे होने वाले जो ससुराल वाले हैं, बिल्कुल, इस घटना का वजह क्या रहा या फिर वजह है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, प्लस हम अपने घर में अपने इच्छा से दुकान वगैरह रेंट पे लगाए, घर में रिनोवेशन वगैरह हम खुद से करवाते हैं, तो वो लोग चीज़ उनको पसंद नहीं आया। क्या चीज़ था एक्चुअल खुन्नस है पता नहीं। मारते वक्त तो शादी के बारे में बोल रहे थे कि ब्याह कर दी ओकरा से, जबकि आई एम ऑलरेडी 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम अर्निंग पर्सन, आई एम सोली इंडिपेंडेंट पर्सन, बट आई डोंट नो व्हाट दे हैव प्रॉब्लम विथ मी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो हम तो मम्मी के साथ नानी घर आ जाते, लेकिन अभी ऑडिट का टाइम स्टार्ट हुआ है, काम का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो हमको तो काम था इसलिए हम रह गए वहाँ पे। और कोई वजह है? और कोई वजह है? देखिए, वजह तो हमको इंटरकास्ट मैरिज ही लग रहा है। और